डियर स्टूडेंट, इस SIC ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का, ये अंग्रेज़ी का आप लोगों का क्लास है। हम लोग प्रोज का पहला लेसन रहे थे, द लास्ट लेसन, जिसमें चार पांच पार्ट में कुछ पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे की कहानी आज हम लोग पढ़ते हैं। और आगे की कहानी ये थी कि हम लोगों ने पढ़ा था कि उसने बताया कि जो लास्ट लेसन था उसमें पूरी कोशिश किया, जो MHML थे वो उनकी एक कोई मानो कि आज ही सब कुछ जितना वो जानते हैं सब बच्चों को सिखा देना चाहते हैं। उसके आगे ये कहानी, एक आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ये 10वां पैराग्राफ है, कि बताया कि उस फ्रैंक ने कि आफ्टर द ग्रामर, कि ग्रामर पढ़ने के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब हमारा लेसन किस चीज़ का चलना था, राइटिंग का, यानी लिखने वाला लेसन था। दैट डे MHML हैड न्यू कापीज फॉर अस, उस दिन जो फ्रेंच के जो टीचर थे MHML, वो बोलता है, वो जो लड़का जो कहानी बता रहा है, कि हमारे लोग रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और जिसमें बड़े खूबसूरत राउंड हैंड में ऐसे गोल गोल उसमें जो है लच्छेदार खूब बढ़िया होता, लिखा क्या था, फ्रांस अलसास, ये उन कापियों में लिखा हुआ था। और दे लुकड लाइक लिटिल फ्लैग्स, बताया क्या कि वो जो लिखा हुआ था वो ऐसे दिख रहा था जैसे कि छोटे छोटे झंडे हो, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और जैसे मानो कि वो स्कूल रूम में हर जगह पर वो लहरा रहे हों, हंग फ्राम द रॉड, और जैसे वो रॉड में लटके हुए हों, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर, मतलब ऐसी फीलिंग उसने कहा कि इस तरह से माहौल था वहाँ पर। और कॉपी में जो फ्रांस अलसास लिखा हुआ था, तो मानो कैसा दिख रहा था कि जैसे ये छोटे छोटे जो है वो फ्लैग हों और हमारे डेस्क में हर जगह लहरा रहे हों, और हमारे डेस्क के ऊपर रॉड से जो है वो लटकाए गए हों, हंग हों। यू आर टू हैव सीन, कहा अगर तुमने देखा होता, आप लोगों ने देखा होता, पढ़ने वाले को यानी बोलता है कि हर कोई किस तरह से अपने अपने काम में जुट गया था, हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितना शांत था मामला, हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था और बड़ी शांति थी। और द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेंस ओवर द पेपर, क्लासरूम के अंदर इतना सन्नाटा था कि उसने कहा कि अगर कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी तो वो पेपर पर पेन के चलने की आवाज़, रगड़ने की आवाज़, स्क्रैचिंग की आवाज़, जो लिख रहे थे से उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। और यहाँ तक कि बताया कि सब अपने अपने काम में इतना मेहनत के साथ में, इतने लगन के साथ में डूबे हुए थे कि वंस सम डिटल्स फ्लू इन, कि एक बार जो है कुछ भंवरे अंदर आ गए, क्लासरूम में आ गए, नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन आज के दिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और जो एडल्ट थे या जो समझदार लोग थे उनकी बात तो छोड़ दो, बोलता है कि नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, जो उस क्लास में बैठे हुए सबसे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी उसकी तरफ, वो बच्चे हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो अपने काम में मतलब जुटे हुए थे, किस में जो हर वक्त किस में लगे थे, अपने जो फिश हुक्स बनाने में, फिश हुक्स मतलब जो मछली मारने वाला जो कांटा होता है, कटिया होता है, उसको बनाने में, उसको ट्रेस करने में वो जुटे हुए थे। और इस तरह से वो उसको बनाने में जुटे थे मानो कि एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, क्योंकि ऊपर बताया था कि उन्होंने अपनी कॉपी में फ्रांस अलसास जो है कैसे लिखा था, राउंड हैंड में, और जो फिशिंग जो हुक होता है वो भी राउंड होता है, तो इसलिए बताया कि वो बच्चे अपने अपने उसमें कॉपी में ट्रेसिंग में इस तरह से जुटे हुए थे कि मानो कि वो भी जो है वो भी उनके लिए वो फ्रेंच हो, वो भी फ्रेंच की हैसियत रखती हो। और ऑन द रूफ द पिजन कूड वेरी लो, और छत के ऊपर उसने बताया कि जो कबूतर थे वो बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और बोलता है कि मैंने अपने मन में सोचा कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, सोचता है कि क्या ये जर्मनी के जो लोग हैं ये लोग इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में बोलने के लिए करेंगे। ये इस वीडियो में ये पैसेज 10 हम लोगों का कंप्लीट होता है, अब अगला पैसेज हम लोग यानी अगले वीडियो में पढ़ेंगे।